आगरा में प्रसिद्ध अबू लाला दरगाह में हज़रत शाह अमीर अबुल उला के उर्स के शुभारंभ पर दरगाह परिसर में 4 सितंबर दिन इतवार अपने बुजुर्गों की रवायत को कायम रखते हुए मौरूसी सज्जा दानसीन हज़रत सैयद मोहताशिम अली अबुल उलाई व उनके हमराह नायब सज्जागान सज्जादगान व परिवार के अन्य सदस्यों ने एहरारी झंडा रोहण कर उर्स की शुरुआत की। इस मौके पर दरगाह परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने नमाज अदा करी व मौरूसी सज्जादानसीन द्वारा देश की तरक्की व उन्नति के लिए विशेष दुआ की। साल से कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था और बहुत कुछ सीमित दायरे में ही किया जा रहा था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र एहसान है कि अब सब खुला हुआ है और तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल फिर से एक बार पूरे जोर शोर से दो साल बाद कम से कम 1 से 1.5 लाख आदमी यहाँ पे हर वक्त 2 दिन कम से कम मौजूद रहेंगे, जो कि मंगल और बुध होगी। अभी शाम को नमाज हो गई है, किस तरह झंडा नसब होने के बाद खाना पानी भी हजरत के दरबार में, उसके बाद मगरिब का वक्त हो गया तो नमाज अदा की और फातिहा खानी में और नमाज के बाद मुल्क के अमर चैन की, एकता भाईचारे की, चारों तरफ खुशहाली की कामना की गई, दुआएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद इशाद अली अबुल्लाई नायब सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल्ला रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब हूँ। आज 4 तारीख को हज़रत सैयदना में एहरारी झंडा नसब करके उसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद 9 बजे के बाद नात खानी और ज़िक्र औलिया का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बीकानेर से बयान करने वाले आ रहे हैं और अमरोहा से बयान करने वाले आ रहे हैं और नात पढ़ने वाले जो मोहम्मद साहब की प्रशंसा में कलाम पढ़े जाते हैं वो पढ़े जाएंगे। 9 बजे से लेके और रात देर तक चलेगा ये प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम यही रहेगा और इसी के साथ कल जो है वो खातीन का प्रोग्राम और आगे इसके प्रोग्राम चलते रहेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।